हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, हम करने वाले हैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। गाइस, ये एक जर्नल रीडिंग होगी, सभी साइंस के लिए होगी और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं या सेम जेंडर रिलेशनशिप में तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है गाइस, जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपको पॉजिटिव हो जाना है। जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना है और उनका नाम का आपको चैंट करते रहना है। ठीक है, गाइज, आप और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ हो सकता है और इस वक्त आप भी अपने पार्टनर से दूरियां ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी आपसे दूरियां ख़त्म करने की सोच रहे हैं, आपके नज़दीक आने की सोच रहे हैं। यहाँ पे एक लव ट्रायंगल बन रहा है। मुझे आपके पास जितना आपके पार्टनर आपसे दूरी बनाई है, अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूरी बना रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर पहले आपको इग्नोर करके चले गए थे, लेकिन जहाँ तक अब मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से भी यही सीन चल रहा है। वो अपने आपके जो पार्टनर है थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। मुझे यह थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ लालच के साथ आपके पार्टनर के साथ जुड़ी है ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूरियाँ बना रहे हैं। वो कोई भी हो सकती है, वो फैमिली हो सकती है, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है। वो अगर वर्क करते थे, वर्कहोलिक थे बहुत ज़्यादा, तो काम करके बहुत ज़्यादा थक गए हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल दिमाग में आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है और वो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के लिए बात कर रहे हैं। और अगर उनके 4 या 5 फ्रेंड्स हैं या पूरा ग्रुप है फ्रेंड का, तो वो उनसे डिस्कस कर रहे हैं इस रिश्ते में किस तरीके से पॉजिटिविटी लाई जाए, आपके साथ वापस किस तरीके से जुड़ा जाए। आपके पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं, वो मेल फ्रेंड्स या फीमेल फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, उसमें से कोई फ्रेंड ऐसा होगा जो आपको और आपके पार्टनर को एक साथ लाने में हेल्प करेगा, या तो आपकी हेल्प करेगा या आपके पार्टनर की हेल्प करेगा। उनके दिल दिमाग में कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगा कि आप दोनों, वो कोई एक फ्रेंड है या पूरा ग्रुप है उनका जो चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएं, वापस आप दोनों का रिश्ता शुरू हो जाए। भले से आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं या सेम जेंडर रिलेशनशिप है, तो भी उनका पूरा जो ग्रुप है, फ्रेंड ग्रुप है, या कोई एक स्पेशल पर्सन है उनकी लाइफ में जो चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएं। इस वक्त अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपका या आपके पार्टनर का कुछ बर्थडे हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या आपके पार्टनर आपको डेट पर बुला सकते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ गाइज, आपके पार्टनर इस वक्त टूटकर बिखर गए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं। या किसी किसी का रिश्ता 6 साल 6 महीने 9 महीने या 6 महीने पुराना हो सकता है। आपके पार्टनर अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं और आपके पार्टनर ना इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। उनकी लाइफ में कुछ तो हुआ है, या तो उनके फैमिली में से कोई बीमार हुआ है, थर्ड पार्टी ने उनको या उन्होंने थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा सुना दिया हुआ है, जिससे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। आप या आपके पार्टनर का नाम ITP हो सकता है, इनसे या एल से शुरू होता हो। आप में से किसी किसी के बेबी हो सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके बच्चे हैं। किसी किसी के पार्टनर का नाम बी से शुरू हो सकता है, यू से शुरू हो सकता है, और आप
आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं इस वक्त? गाइस मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा थोड़ा सा रिलीजियस होना चाहिए, थोड़ा ऊपर वाले पे यकीन रखना चाहिए। माना कि आप लोग थोड़ा घबरा गए हैं, पार्टनर से जो दूरियां हैं आपकी वो आपको तकलीफ दे रही हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए। आपके पार्टनर का नाम आर से भी शुरू हो सकता है। आपके आसपास गार्डन हो सकता है। इस वक्त आपके पार्टनर को इतना मिस कर रहे हैं कि वो जब अपसेट होते हैं तो वो आपकी या तो फोटोग्राफ देख रहे हैं या फिर आपकी पुरानी चैट्स पढ़ रहे हैं, आपकी पुरानी यादों को महसूस करके फिर वो स्माइल करते हैं। उनके दिमाग में ना सॉरी लेकिन कुछ खिचड़ी बन रही है आपके पार्टनर के दिमाग में, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की थी, उनको लगा था सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, वो सब उल्टा हो गया है। गाइस अगर आप लोग मेडिटेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कीजिएगा, जल्दी सारी चीजें मुझे ठीक होते हुए नजर आ रही हैं। गाइस जो वक्त लगा है या आने वाले टाइम में वक्त लगेगा, उससे आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि टाइम गुजरने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन, किसी कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हैं तो उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत होगी। अब आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ना, तो आप उन्हें सिर्फ टेलीपैथिक मैसेज भेज सकते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने थॉट्स उधर भेज सकते हैं कि उन्हें हिम्मत मिले और वो अगर आपसे कॉन्टेक्ट करें, आपसे बात करें, क्योंकि उन्होंने अभी आपसे दूरियाँ बनाई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका ये रोल है कि आपको पॉजिटिव रहना, टेलीपैथिक मैसेज भेजना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना या फिर विजुलाइज कर सकते हैं आप कि आप और आपके पार्टनर साथ में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करेंगी। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें। बाय बाय, टेक केयर।